सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम गोलाइक में। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीव आई 71 की न्यू अपडेट के बारे में। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर वीव आई 71 में एक और न्यू अपडेट आ चुका है। और सबसे पहले तो इस अपडेट का किसी के पास भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है अभी तक। और अगर आपके पास भी नोटिफिकेशन नहीं आया, और अगर आप नोटिफिकेशन को पाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिस्टम अपडेट का। सिंपली आपको सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है। और जैसे आप सिस्टम अपडेट पे क्लिक कर दोगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे इस सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो दोस्तों, मैंने इस सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस में पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है। मैंने अपने डिवाइस को अपडेट कर लिया है। और इसमें सबसे पहले आपको बता दूँ क्या चीज़ मेरे को देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझको अपने इंटेल जो भी इंटेल स्टोरेज थी वो मेरी बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पर मतलब कि यहाँ पर इंटरनल स्पेस थोड़ा सा स्पेस मिला है हमको। ठीक है, जैसे कि मेरा इंटरनल स्पेस पूरा ही भर चुका था यहाँ पे। और अपडेट करने के बाद यहाँ पे मेरा 2 GB इंटरनल स्टोरेज खाली हो चुका है यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पर एक और फीचर जो आया है हमारा फाइल मैनेजर में आया है। तो मैं यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर अपना दिखाता हूँ ओपन करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें फाइल मैनेजर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा अपडेट करने के बाद। जैसे कि हमारा पहले कुछ अलग तरीके से आता है, यहाँ पर नीचे फोल्डर्स आते थे, तो यहाँ पर हमारा फाइल सेव का वाला ऑप्शन जो नीचे आता था, वो अभी ऊपर आ चुका है किस इस तरीके से। और यहाँ पे आपके कुछ काफ़ी सारे जो आपने लास्ट फोटोज़ खींचे होंगे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और क्लीनअप वाला यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और एक फंक्शन एक फीचर और इसमें आया है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप एल्बम पर जाओगे, तो एल्बम पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्बम पर कि यहाँ पर रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन एक आ चुका है। दोस्तों, अगर आप किसी भी फ़ोटो या किसी भी वीडियो को अगर आप कहीं से भी डिलीट करते हो, तो आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ से उस वीडियो को नहीं डिलीट करोगे, तो वो डिलीट नहीं होगी। आप अगर उसको गलती से आपको कोई फाइल डिलीट हो जाती है, तो आप यहाँ से उसको वापस रीलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कोई फ़ोटो डिलीट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं एक फ़ोटो आपको डिलीट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, मैं ये वाला फ़ोटो डिलीट करता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अभी फ़ोटो डिलीट कर दिया है, और ये मेरा फ़ोटो अभी वहाँ पर पहुँच चुका हुआ उस फोल्डर में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, रिसेंटली डिलीट। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, तो ये फ़ोटो मैंने अभी डिलीट किया, तो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको दोबारा से रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, और डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ से रिस्टोर कर देता हूँ, तो ये मेरा फ़ोटो वापस से आ जाएगा। ये मेरा अभी डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, जब तक मैं यहाँ से डिलीट नहीं करूँगा, तब तक मेरा फ़ोटो डिलीट नहीं होगा। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं आपके डिवाइस में। जैसे कि हमारा कैमरे में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि हम कोई पिक्चर अपनी सेल्फी लेते थे, तो वहाँ पे हमारा फेस पर जो फोकस, वो सॉरी फोकस नहीं, हमारा यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया गया है। जैसे हमारे हम कोई भी रोशनी में फ़ोटो खींचते हैं अपना सेल्फी, तो वहाँ पर हमारा लाइट थोड़ा फोटो डार्क सा हो जाता है। यहाँ पर अभी लाइट हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम में भी कुछ अपडेट किए गए हैं, एंड कैमरा जो मैंने आपको बताई दिया, और यहाँ पे थोड़े बहुत और अपडेट की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप सभी को इस के बारे में बता दिया अपडेट के बारे में। और दोस्तों, बस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का एक बेल आइकन आएगा, उसके भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।